हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम स्वाति शर्मा है। आज हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र के चैप्टर विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विलयन क्या होते हैं। विलयन विलय व विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। तो विलय और विलायक क्या होता है? विलय वह पदार्थ होता है जो विलायक में घुल जाता है, अर्थात इसमें घुलने की प्रकृति होती है। इसमें हम एक उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक शक्कर और पानी का घोल की बात करते हैं। अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं तो उसमें एक चम्मच चीनी डालते हैं। अब वो एक चम्मच चीनी जो है वह पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। तो चीनी जो है वो उसमें कम प्रतिशत वाला भाग है और वह उसमें घुल रहा है, तो उसे हम विलय कहेंगे। और अब अगर हम विलायक की बात करें तो विलायक वह होता है जिसमें जो कि किसी पदार्थ को घोलता है, अर्थात विलायक की प्रकृति घोलने वाली होती है। जिस तरह से हमने चीनी को यहाँ पर घुलने वाला पदार्थ बताया था, उसी प्रकार से विलायक जो है एक तरह से पानी है जो कि उस पदार्थ को घोलता है, इसको हम विलायक कहते हैं। और विलय और विलायक आपस में मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। सांद्रता के आधार पर जो विलयन है यह 5 प्रकार के होते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन 5 प्रकार के होते हैं। तनु विलयन, सांद्र विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। सबसे पहले हम बात करते हैं तनु विलयन की। तो तनु विलयन, जब किसी विलयन में विलय की घुली हुई मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन वह होते हैं जिसमें विलय की मात्रा जो है विलायक की मात्रा की तुलना में कम होती है, इस प्रकार के विलयन हमारे तनु विलयन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं सांद्र विलयन की। तो जो सांद्र विलयन है यह तनु विलयन के थोड़े अपोजिट होते हैं। तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक होती है। यहाँ पर विलय की मात्रा जो है यह कम थी, लेकिन सांद्र विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है और विलायक की मात्रा जो है वह कम होती है। तो इस प्रकार से बनने वाले विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। अब हम बात करते हैं असंतृप्त विलयन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, असंतृप्त विलयन वह होते हैं जो एक निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सके तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह असंतृप्त है और इसमें विलय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, तो इस प्रकार से बनने वाले विलयन हमारे असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं संतृप्त विलयन के बारे में। तो संतृप्त विलयन, जब कोई विलय पदार्थ अधिकतम मात्रा तक विलायक में घुला हुआ हो, अर्थात इस मात्रा के बाद विलायक में और अधिक विलय को घोलने की क्षमता न हो, तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। इसके भी नाम से स्पष्ट है, संतृप्त विलयन मतलब यह ऑलरेडी संतृप्त है, सैचुरेटेड है, अब इसमें विलय पदार्थ की और ज़्यादा मात्रा को नहीं घोला जा सकता। तो जिनमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकेगा, इस प्रकार से बनने वाले विलयन हमारे संतृप्त विलयन कहलाते हैं। अब हम अगली बात करते हैं अति संतृप्त विलयन की। जब किसी विलायक में इसकी अधिकतम क्षमता से भी अधिक विलय पदार्थ मिश्रित कर दिया जाए तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जब हम क्षमता से भी अधिक किसी विलय पदार्थ को किसी विलायक के अंदर हम उसमें घोल रहे हैं या उसके अंदर हम डाल रहे हैं, तो इस प्रकार के हमारे जो विलयन बनते हैं ऐसे विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के होते हैं। तो हम अवस्था के आधार पर विलयन का अध्ययन करते हैं। अवस्था के आधार पर विलयन, तो यहाँ पर हमें पता है विलायक और विलय आपस में समांगी मिश्रण बनाते हैं जिसको हम विलयन कहते हैं। ठोस और ठोस का विलयन जो कि मिश्र धातुओं का निर्माण करता है। ठोस और द्रव का विलयन, तो यहाँ पर पारा और जिंक का जो विलयन है। ठोस और ग्रेस का विलयन, ये पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन गैस का विलयन है। द्रव और ठोस का विलयन, जल में लवण या शर्करा। द्रव और द्रव का विलयन, अल्कोहल का जो जली विलयन का निर्माण करता है। द्रव और गैस का विलयन, सोडा वाटर की बोतल में CO2। हमें ऑलरेडी पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सोडा वाटर की बोतल में डिजॉल्व होती है। गैस और ठोस का विलयन जैसे वायु में कपूर,
गैस और द्रव का विलयन कोहरा या धुआं, गैस और गैस का विलयन वायुमंडल की गैसें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने विलयन तथा उसके प्रकार के बारे में स्टडी की। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम सांद्रता के आधार पर विलयन की इकाई के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।